चलिए हम शुरू करते हैं आलू की चटनी बनाना। आलू की चटनी के लिए आपको थोड़े से बॉयल्ड पोटैटोस चाहिए, आपको इमली का बल्ब चाहिए, आपको उसके लिए मसाले जो ऐड होंगे उसमें नमक, उसमें भुना हुआ ज़ीरा, उसमें कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी सी उसमें टाटरी डलेगी और इसमें फूड कलर डलेगा। फूड कलर ऑप्शनल है। आप इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लें एक ब्लेंडर में, हरी मिर्चें, ये मसाला, अपना बॉयल आलू और इमली का पल्प डाल के आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन ब्लेंड करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होगा, हाफ कप के जितना, ठीक है। आप इस चटनी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, स्मूथ कर लें पेस्ट की तरह। अब देखिए ये आपकी चटनी तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है कलर में ये चटनी। अब आप आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज वाले चिप्स लिए हैं और उसमें हमने प्याज डाला है स्लाइस, और उसमें फिर हम डाल रहे हैं नमक, कुटी लाल मिर्चें, भुना कुटा वजीरा, और हम उसमें डाल रहे हैं फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, बाजार वाले डालते हैं इसलिए मैंने ऐड किया है। इसमें आप थोड़ा सोडा डालेंगे और इन सबको आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे क्रिस्पी रखने के लिए इसको, और आप थोड़े से पानी के साथ इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। पानी बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि आलू का अपना पानी होगा, ठीक है। अब आपने ऑयल गरम करा, उसमें आपने पकोड़े डीप फ्राई करने शुरू कर दिए, और देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से पकोड़े बन गए हैं। और आप इसको फ्राई करते जाएं और गरम गरम पेश करते जाएं। आप मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपने ट्राई करी है तो आपको कैसी लगी, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसके बाद आप इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे आपके पकोड़े तैयार हो गए हैं आलू की चटनी के साथ। और आप रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई करें, आप कोई मेहमान आ जाए जल्दी से ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।